हरे कृष्ण ओम ज्ञान मिरामदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश सर्वविधाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेवी प्रिया ऐके सबस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्रै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मैं गुरुपाद पद्मा नित्रिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री राय रामानंद संवाद। कहते जो राय रामानंद संवाद कहते श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में ये संवाद है। गुरुदेव कहते थे कि जो चैतन्य चैतामृत जो ग्रंथ है हमारे संप्रदाय में एक अनमोल ग्रंथ है। गुरुदेव एक समय कह रहे थे जैसे श्रीमद् भागवत है कहते उसमें जो रास पंचाध्याय ये पंच प्राण है। अगर शरीर है अगर प्राण नहीं शरीर का कोई महत्व नहीं। शरीर में प्राण हो तो तभी महत्व है कहते। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जैसे उसमें पांच अध्याय पंच प्राण है रास लीला का कहते श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी उसमें भी पंच प्राण है। बोले इसमें पंच प्राण क्या है कहते वहाँ पांच टपी गुरुदेव कहते थे। पहला नंबर है राय रामानंद संवाद है, दूसरा है श्री रथ यात्रा है, तीसरा है रूप गोस्वामी की महाप्रभु ने जो शिक्षा प्रदान की, चौथा है श्री सनातन शिक्षा और पंचमा है श्री महाप्रभु के साथ में आचार्य का जो संवाद है जो डिस्कशन उसके अंदर में। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये पंच प्राण चैतन्य चैतामृत में ये भी पंच प्राण है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो चैतन्य चैतामृत ग्रंथ है ये हमारी संप्रदाय में ये साधारण ग्रंथ नहीं है। एक समय प्रभुपाद अपना शिष्यों को प्रश्न करते हैं बोले ये बताओ तो जगत में ऐसे कौन सा एक ग्रंथ है अगर इसी जगत में रहेगा तो और जितने सारे ग्रंथ का अभाव एक ग्रंथ पर पूरा करे बताओ। किसने कहा वेद, किसने कहा श्रीमद् भागवतम, किसने कहा चैतन्य भागवत, किसने कहा भगवत गीता, किसने कहा उपनिषद, किसने कहा ब्रह्म सूत्र। लेकिन गुरुदेव ने कहा श्री प्रभुपाद ने कहा नहीं कहते ऐसे दो ग्रंथ है जो अगर रहेगा तो सारे अभाव को पूरी करेगा। एक है श्रीमद् भागवत ग्रंथ,
दूसरा है ये चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद ने कहा अगर भागवत ग्रंथ भी जगत से अंतर ध्यान हो जाए चले जाए, अगर ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अगर रहेगा तो एक ही ग्रंथ रहेगा तो सारी ग्रंथ की अभाव एक ग्रंथ पूरी करेगा। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ इतने हमारे संप्रदाय के लिए इतने ये महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। इसलिए श्री लोचनदास ठाकुर जी हैं, वो एक भजन गाए हैं, वो भजन है बोले एला गौर रस नदी कादंबिनी होए भासाई लगौर देश प्रेम वृष्टि दी। भजन में लोचनदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु जगत में आए, आकर के जगत को क्या दिया, महाप्रभु है कौन, खुद तो दिया ही है लेकिन कौन सा भक्तों को माध्यम से उन्होंने हम लोगों को क्या क्या दिया है। तब जो उदाहरण देते हैं उसमें कहते हैं बोले कृष्ण दास कविराज रसे र भंडारी जतने राखिल प्रेम हेम कुंभ भारी। उदाहरण देते हैं कति ग्रंथ का रचयिता कौन है, बोले कृष्ण दास कविराज, इनका नाम है कविराज है। इसलिए कविराज मतलब क्या, कहते दो, इसका दो अर्थ है, एक तो है कविराज वैद्य को कहते हैं, डॉक्टर को कविराज कहते हैं, कहते सबसे बड़े कविराज है। साधारण बीमारी को तो साधारण डॉक्टर सही कर देता है, फिर दूसरा बीमारी आ जाती है, फिर दूसरा बीमारी को सही करे फिर तीसरा बीमारी आते है, लेकिन वो ऐसे के डॉक्टर है हाँ, वो ऐसे बीमारी को सही करने वाले हैं जो एक बार हमारी एक सबसे जो बड़े बीमारी है हमारी भव रोग, ये सबसे बड़ा रोग है भव रोग। भव मतलब क्या है, ये संस्कृत वाड़ है, ये भू शब्द से हुआ भव, भू मतलब होता है होना, एक धातु रूप है भू मतलब होना, क्या होना बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सबसे बड़ा रोग है, जन्म लिए मरे फिर जन्म लिए ऐसे ही 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोग है जिसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बोले संसार दावा नड़ली ढलोक त्राणाय कारुण्य प्राप्त कल्याण गोनार्णवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम। ये सबसे बड़ा रोग है संसार दावा नल्ली नलोक, संसार रूपी जो आग लगी है हैं, ये आग पता नहीं कब से बुझेगा, कब हाँ, कब ये आग बुझेगा। इसलिए कहती है आग को कौन बुझा सकता है बोले वैद्य, कौन सा वैद्य, कृष्णदास कविराज, ये ऐसे के कवियों में हैं, कहती ये ऐसे कविराज है मतलब ये ऐसे के डॉक्टर है, यही हमारी भवरों को बुझा सकते हैं हैं। और उन्होंने मेडिसिन दिया है, कौन सा मेडिसिन, चैतन्य चरितामृत की मेडिसिन है, बस इसको घोल करके पी लो घोल करके आप पी लो इसको घोल करके। इसलिए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ रचना की है हाँ, एक गोविंद लीला मृत ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ उन्होंने किया है हाँ, कृष्ण की पूरा अष्टजाम की कथा है, कृष्ण सवेरे क्या करते हैं, उसको बाद में क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, पूरा उसमें भगवान का अष्टजाम जो 8 पीरियड भगवान की लीला उन्होंने बड़े अद्भुत रूप में उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए कहते ये एक कविराज है, बोले दूसरे कविराज मतलब क्या, कवियों में जो राजा, कवियों में जो राजा हैं उनको कहते कविराज है, और सचमुच से ये कवि का राजा है क्योंकि उन्होंने ऐसे एक ग्रंथ लिखा, ये चैतन्य चरितामृत ऐसे एक दिव्य ग्रंथ लिखा है, ऐसे ग्रंथ कभी हुआ नहीं कभी होएगा नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद खुद कहते हैं ये ग्रंथ अगर एक ही ग्रंथ अगर जगत में रहे तो सारे ग्रंथ के अभाव पूरी करेगा। इसलिए हमारे महाराज कहते थे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज कहते संस्कृत समझना आसानी है लेकिन इनकी चैतन्य चरितामृत समझना कठिन है
ये बंगला अक्षर है, कहते ये बंगला अक्षर समझना कठिन है, लेकिन संस्कृत शब्द आप समझ सकते हो, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में जो बंगला जो प्यार है ना, ये समझना बड़ा कठिन है। मतलब एक एक प्यार में उन्होंने ऐसे ऐसे तत्व सिद्धांत उन्होंने इसी ग्रंथ में उन्होंने भर दिया। इसलिए वो उदाहरण क्या देते हैं, बोले कृष्ण दास कविराज रस्य भंडारी जतन राखिल प्रेम हेम कुंभवरी। उदाहरण देते हैं ये चैतन्य चरितामृत क्या है, कहते हेम कुंभ, हेम मतलब तो सोने की ये घड़ा है, कलसी है, और उन्होंने प्रेम को उन्होंने इसी घड़े में उन्होंने भर करके ये प्रेम रख दिया। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमारे संप्रदाय के लिए एक अद्भुत अनमोल, गुरुदेव कहते थे तभी ये ग्रंथों को कोई समझ सकता है जब आप सारे ग्रंथों को पहले पढ़ लो, सारे ग्रंथ, क्योंकि इसमें ये सूत्र रूप में सारी चीज दी गई, हाँ छोटे छोटे सूत्र रूप में, अगर सारे ग्रंथों को अगर आप पढ़ लिया ना, कर जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। क्यों, क्यों, किसलिए, क्या क्या बोल रहे हैं वो सूत्र रूप में दिए, सूत्र तभी समझोगे, पहले बड़े चीज समझो, पहले तो सूत्र को समझोगे, इसलिए वो सूत्र रूप में सारी चीज ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दिया है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बोले ग्रंथ मैं नहीं लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा है, मदन मोहन, हमारे लिखा है जन मदन मोहन, और हमारे लिखे ने जन सुकेर पठन। उदाहरण देते हैं जैसे तोता होता है ना, आप बोलते बोलो राम, तोता क्या बोलता, बोले राम, उसको बोलो राधे, तोता क्या बोलेगा, राधे, उसको बोलो हरे कृष्ण, वो बोलेगा हरे कृष्ण, जैसे आप जैसे बोलोगे ना वो तोता आपको ठीक जैसे बोलता है, वो कहते मैं ये ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ, हमारे लिखा है मदन मोहन, ये मदन मोहन हमें ये ग्रंथ को मदन मोहन हमें लिखा रहे हैं, हैं? इसलिए ये जो ग्रंथ है इसमें बताए जिस समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने जो काम गायत्री जो मंत्र है उसमें 24.5 अक्षर है। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले ये जो काम गायत्री 24.5 अक्षर है और भगवान के शरीर में 24.5 चंद्र है। कितना चंद्र है, 24.5 चंद्र है। बोले कैसे है, बोले उनका जो एक एक जो नख है ना वो एक एक चंद्र है, जैसे हमारे ये हाथ में 10 नख, नीचे प्यारे में 10 नख, कितना हो गया 10 10 20, ये 20 चंद्र है, और भगवान का जो मुखार विंद है ये एक चंद्र है, कितना हो गया 21 हो गया, और उनको ललाट जो चंद्र है, हाँ, और उनको जो मुखा चंद्र, ऐसे करके वहां पर बताए दो कपल है दो चंद्र है, ऐसे मिला करके बोले भगवान में 24.5 चंद्र भगवान में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने हिसाब लगाया, काम गायत्री मंत्र जो काम गायत्री गुरुदेव ने दिया वो काम गायत्री नहीं, ये भगवान स्वयं कृष्ण का साक्षात ये मूर्तिमान, जैसे भगवान में 24.5 चंद्र है ये इसमें भी 24.5 अक्षर है। तो उन्होंने बड़े विद्वान है, उन्होंने देखा बोले तो 24.5 हो नहीं रहा है, ये तो 24 हो रहा है, नहीं तो 23 हो रहा है, लेकिन ये तो 24.5 कहाँ पर है। उन्होंने सारे व्याकरणों को ढूंढे, उन्होंने सारे ढूंढे, बोले क्यों, कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधारानी की एक मंजरी है, एक मंजरी है। अभी जो भूल किसका होता है, बद्ध जीव के अंदर में 4 दोष है, क्या क्या, भ्रम, प्रमाद, करुणापाठक और विप्रलिप्सा, कहते बद्ध जीव में ये 4 दोष बद्ध जीव में, लेकिन मुक्त पुरुष में ये 4 दोष नहीं होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मुक्त महापुरुष है, ये राधा रानी की एक मंजरी है, हैं, ये एक मंजरी है, कहते इनका तो कभी दोष हो ही नहीं सकता, वो तो जो बोले सही बोले, लेकिन मैं तो मिला ही नहीं पा रहा हूँ। अब उन्होंने सोचा अगर हमें मंत्र का अर्थ ही अगर मेरे को पता नहीं चलेगा फिर ये मंत्र पर सिद्धि कैसे प्रदान करेगी। इसलिए एक दिन दुखी होकर के सोचा रात को मैं राधा कुंड में ही प्राण त्याग दे दूंगा। इतने में राधा रानी स्वयं इनके स्वप्न में आती है, बोले कृष्णदास कहते श्री हरिवल्लभ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, बोले हरिवल्लभ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेरी मंजरी मेरी सखी, उनमें कोई भूल नहीं है, तो सारे व्याकरण ढूंढ रहे ना, और एक व्याकरण है
उसका नाम है वर्णाश्रम भास्कर, एक व्याकरण है। तो उसी व्याकरण में देखो, वहां पर बताया आधा अक्षर किसको कहते हैं, जैसे काम देवाय उसमें होता है ना, हाँ काम देवाय, उसके बाद में विद्महे, कहते यक बाद में है, कहते जो हाँ बी को पहले यक बाद में जो एक अक्षर होता है उसका सांस्कृत शब्द में आधा अक्षर बताया गया है, कहते यह पर देखो यहाँ पर उसका आधा अक्षर बताया। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती है कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेरी मंजरी सखी है, इसलिए उनका कभी ग्रंथ में भूल नहीं हो सकती। राधा रानी स्वयं कहती है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे वो एकदम राधा रानी स्वयं स्थापन करती है, ये मेरी मंजरी है। अभी कहते ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ क्यों लिखी गई, ये ग्रंथ सबसे पहले, इसके ग्रंथ से पहले चैतन्य भागवत लिखी गई थी, चैतन्य भागवत ग्रंथ पहले हो, इसको बाद में ये ग्रंथ है। अभी प्रश्न है ये ग्रंथ फिर क्यों लिखे, पहले तो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिख चुकी थी जिसमें महाप्रभु के सारे लीलाओं की वर्णना की गई है, है? उनका सारे उनको जो बाल्य लीला है, पौवर्ण लीला, कैसर लीला, संन्यास लीला, चैतन्य भागवत में देखो पूरी महाप्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा। पर ये ग्रंथ पहले उन्होंने क्यों लिखे, कारण क्या है, कहते जितने सारे संत थे उस समय वो सबके सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रार्थना किया, बोले आप महाप्रभु के बारे में अब ये चैतन्य चैतन्य ग्रंथों को लिखो, बोले क्यों, बोले चैतन्य भागवत में तो महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीला लिखी गई है, लेकिन ऐसे एक ग्रंथ होनी चाहिए कि ऐसे ग्रंथ जो सिद्धांत जुटता है, चैतन्य भागवत वो लीला पर ग्रंथ है, हैं? लेकिन ऐसे सिद्धांत जुक्त लिखनी चाहिए, बोले क्यों, कहते क्योंकि सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस जाते कृष्ण लागे सुदृढ़ विश्वास मानस, क्योंकि अगर सिद्धांत जुक्त नहीं होगा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण स्वयं, कृष्ण ही कलयुग में राधा जी के भाव अहंकार जी लेकर के आए, बोले भैया सारा दुनिया अपना अपना भगवान भगवान कहते हैं, साईं बाबा को भी कोई भगवान कहते हैं, इसलिए राम कृष्ण को भी कोई भगवान कहते हैं, और हमारे बंगाल में बाल कृष्ण को कोई भगवान कहते हैं, कितने भगवान है, है? वो जैसे भगवान कहते तुम भी अपना को भगवान बना दिया, चैतन्य महाप्रभु तुम भी भगवान बना दिया है, इसलिए कहां कहां पर कौन सा शास्त्र में महाप्रभु को भगवान बताया गया, भगवान क्यों जगत में आए, महाप्रभु का तत्व क्या है, कृष्ण है कौन, राधा रानी है क्या, ये भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, तत्व क्या है, अगर कोई फिलोसॉफिकल कोई चीज नहीं होगा ना, तत्व सिद्धांत युक्त नहीं होगा, फिर तो सबके सब बेकार है, इसलिए सबके सब प्रार्थना की ऐसे एक ग्रंथ लिखो, चैतन्य महाप्रभु कौन आए, क्यों जगत को दिया किया है, इसलिए उनकी तत्व दर्शन ऊपर में कोई ग्रंथ होनी चाहिए। सारे संतों ने प्रार्थना की, प्रार्थना करने पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं कहते सर्वदामोदर का कर्चा को लेकर के, सर्वदामोदर की कर्चा मतलब उन्होंने महाप्रभु लीला को जो सूत्र रूप में लिखे करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए थे, उन्होंने जो जो देखा था उन्होंने दिया था उसको लेकर के उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को उन्होंने रचना करते हैं, है? और एक रहस्य बात बताए, कहते श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत को लिखे, कहते भैया चैतन्य भागवत को जो लिखे कहते उसमें कहते ये कौन है, कहते एक तो ये वेद व्यास है, दूसरा है कहते ये एक कृष्ण का सखा कुसुम पीड़ा, एक कृष्ण का सखा है, हैं उनको कुसुम पीड़ा बताया गया, ये कृष्ण का एक सखा है, कहते भैया महाप्रभु जगत में आए क्यों, बोले राधा रानी का प्रेम का आस्वादन करने के लिए, राधा रानी के प्रेम को महिमा को समझने के लिए, और राधा रानी के हाँ राधा रानी के अंदर में जो दिव्य भाव उसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण आए कलयुग में। अभी सखा कैसे राधा रानी का भाव को समझ सकता है, सखा तो सखे रस तक ही समझ सकता है, वो श्रृंगार रस मधुर रस को नहीं समझ सकता है, मधुर रस को कौन समझ सकता है, जो मधुर रस का आस्वादन किया है वही समझ सकता है, है? इसलिए उन्होंने मधुर रस को बारे में वो वर्णन नहीं कर सकते,
वरना तो वही करेगा जो रसगुल्ला खाया उसको पता भैया रसगुल्ला में क्या स्वाद होता है। इसलिए ये एक राधारण की मंजरी है, इसलिए इन्होंने ये रस का आस्वादन किया, तभी उन्होंने महाप्रभु की अद्भुत अद्भुत दिव्य भाव को उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में उन्होंने रचना की। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमारे संप्रदाय में एक अद्भुत दिव्य ग्रंथ, और विशेष करके जो ये जो राय रामानंद संवाद है ना, किसी संप्रदाय में ये चीज उपलब्ध है ही नहीं। सबके सब भक्ति को भक्ति मानते हैं, लेकिन भक्ति एक रस है, और रस में भी कितना फर्क है, हाँ, शांत दाक्षर सख्य वात्सल मधुर, और मधुर रस में भी क्या फर्क है। ये सब चीज को आप कहीं भी, आप किसी संप्रदाय में चले जाओ, ये सब इतने पुंखानुपुंख रूप में आपको कहीं भी इतने सूक्ष्म रूप में आपको मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। हैं, कहते जाल जय रस सही सर्वोत्तम, इसलिए जिसका जो रस है उसको सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन जब तटस्थ होकर के विचार करते हैं फिर तो हमें पता चलता है भैया रस में भी क्या फर्क है, रस में भी क्या फर्क है, अब रस कहाँ तक जा सकती है। इसलिए तब भी तटस्थ होकर जो विचार करेंगे, जो प्रवेश कर गए ना ऑलरेडी, वो चीज को नहीं समझ सकते हैं। जो प्रवेश कर गए जो दास्य रस में सख्य रस में, बोले भैया ये सर्वश्रेष्ठ, हनुमान पूछो सबसे बड़ा रस किया, बोले मैं सेवक रघुपति का पति मोरे, मैं तो सेवक हूँ रघुपति मेरे पति है, इससे हम कुछ नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ रस है भगवान की सेवा करना, रामचंद्र की दासवध करना, ये सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। सखा लोगों को बोलो भैया सर्वश्रेष्ठ रस क्या, बोले सख्य रस। इसलिए हमारे को एक ब्रह्मचारी था, बोले भैया हम गोपी बनना नहीं चाहते, बोले क्यों, ये दिन भर रोती रहती है। इसलिए हम तो सखा बनना चाहते हैं, भगवान साथ में खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे, और गोपियां बना दी और कृष्ण खाते हैं। इसलिए हम तो गोपी बनना नहीं चाहते। इसलिए अभी अभी जिसको जिस रस में प्रवेश हो गया ना, वो कहेगा सर्वश्रेष्ठ रस है, लेकिन जो प्रवेश जिनका नहीं हुआ है, अच्छा है हमारा प्रवेश नहीं हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम सर्वश्रेष्ठ रस को समझ करके अभी हम कोशिश करेंगे वो रस को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए ये राय रामानंद संवाद गुरुदेव कहा करते थे, अगर ये राय रामानंद संवाद को अगर कोई नहीं समझा, समझो वो गौड़ीय वैष्णव है ही नहीं। गुरुदेव कहते थे गौड़ीय वैष्णव है ही नहीं, हैं, केवल थोड़ी संप्रदाय में आने वृत्ति लग कंठी लगाने पर नहीं बनेंगे, हैं, जब तक तो उसकी अंदर में गुरुदेव, जब तक तो उसके अंदर प्रवेश नहीं करोगे, और विशेष कर गुरुदेव राय रामानंद संवाद के ऊपर, इसलिए उन्होंने गुरुदेव ने पूरा ग्रंथ निकाले, पूरा इसको ऊपर में गुरुदेव ने पूरा ग्रंथ निकाले, बोले जब तक इनके संवाद को आप नहीं समझोगे ना, कर्म मिश्र किया ज्ञान मिश्र किया, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, शुद्ध भक्ति में आरभ सीधा संग सीधा, हाँ, उसमें भक्ति क्या है, कर्मार्पण भक्ति क्या है, ये सब क्या, जो जो विवेचना चीज है ना, ये सब आप कहीं नहीं मिलेगा। गुरुदेव कहते थे अगर ये संवाद को आप नहीं समझे तो आप गौड़ीय वैष्णव है नहीं, आप गुरुदेव कहते थे। इसलिए ये इसको समझना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए गुरुदेव ये संवाद को जगन्नाथपुरी में, जब गुरुदेव पुरुषोत्तम महीना में गए थे, वहां पर गुरुदेव ने बड़ी अच्छे तरह से, हाँ, विस्तृत व्याख्या करते हुए गुरुदेव साथ 15 दिन तक थे, इसलिए गुरुदेव ने पूरा के पूरा इसको अच्छी तरह से गुरुदेव ने विश्लेषण करके उन्होंने व्याख्या की, बाद में फिर वो ग्रंथ रूप में फिर गुरुदेव ने उसको निकाले। इसलिए हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, गुरुदेव तो बहुत बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन हमारे समझने का बाहर है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे उसको सुनने के लिए, ठीक है। इसलिए कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब कोई एक अध्याय शुरू करते हैं, वो अध्याय शुरू करने से पहले वो अध्याय में विषय वस्तु क्या है उसको ऊपर में एक श्लोक को लिखते हैं, एक श्लोक में पूरा उसका विषय वस्तु को एक श्लोक में बता देते हैं। इसलिए उसका जो पहला जो श्लोक है, बोले संचार जय रामानंद भक्त मेघे, ये श्लोक को द्वारा शुरू किया है, तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझा है, बोले संचार जय रामानंद भक्त मेघे स्वभक्त चिन्ना, ऐसे के श्लोक है, जिसमें एक उदाहरण देकर के बताए, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे समुद्र है,
समुद्र है, ये सूर्य क्या करता है, ये समुद्र पानी को गर्म को तरह बाष्पीभूत करके आकाश में ले जाता है, और आकाश में लेकर फिर क्या करता है, फिर उसको जो बारिश भी बरसाता है, फिर क्या होता है, बरसने पर एक विशेष पानी होता है जिसका नाम कहते स्वाधी नक्षत्र पानी, वो विशेष पानी है। कहते वह पानी जब फिर सीप को ऊपर में गिरता है फिर वो मुक्ता हो जाता है, वही पानी जब केले वृक्ष के ऊपर गिरता है वहां कपूर बन जाता है, वही पानी जब हिरण जो मृगनाभि हिरण के ऊपर गिरता है वो कस्तूरी बन जाता है, वही पानी जब हाथी के ऊपर गिरता है वो मुक्ता बन जाता है, गजमुक्ता बन जाता है, वही पानी जब सांप के सर पर गिरता है वहां पर मणि बन जाती है। तो उसको उदाहरण देकर समझाए वही पानी पहले क्या था, नमकीन पानी किसका व्यवहार का योग्य है ही नहीं, लेकिन वही पानी को जब समुद्र बाष्पीभूत करके आकाश में ले जाता है, फिर जब वो पानी बरसाती है देखो क्या क्या उसमें दिव्य है, गजमुक्ता कर्पूर और उसमें मणि और उसमें मुक्ता बन जाती है। ठीक उसी तरह को इसको उदाहरण देकर बताए, बोले संचार जे रामानंद भक्त में है, कहते महाप्रभु कौन है, बोले महाप्रभु को बताया अखिल रसामृत मूर्ति, जिसको रूप गोस्वामी कहते भगवान कौन है, जितने सारे रसों का मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु है, रस वैस रसम जवाया लब्ध्वानंद भवति, रस स्वरूप श्री कौन, श्री चैतन्य महापुरुष स्वरूप है ना, ये रस स्वरूप है, लेकिन उन्होंने क्या किया, रस स्वरूप तो है, जैसे भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं, बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरय, जैसे भगवान ने क्या किया, तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये, जैसे भगवान ब्रह्मा जी को हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्फूर्ण कराया, सारे तत्व ज्ञान को, बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यंच तदगंच ज्ञानम गदितमया, भगवान को ब्रह्मा जी में तेरे अंदर में जो केवल ज्ञान नहीं, ज्ञानों में परम गुह्यम है, कहते ज्ञान कब होता है, जब केवल कृष्ण तत्व को दे, लेकिन विज्ञान कब होता है, जब राधा रानी को साथ में और सारे सखियों को साथ में जो ज्ञान दे, कहते ये विज्ञान, बोले ज्ञानों में परम गुह्यम, ज्ञान तो केवल कृष्ण, लेकिन जो परम गुह ज्ञान है जब कृष्ण को साथ में राधा रानी की गोपियों की सखा सखियों के ज्ञान हो, हाँ, बोले जद विज्ञान संबंधित, बोले तहर स रहस्य, रहस्य मतलब होता है भक्ति युक्त, हाँ, जब भक्ति युक्त को द्वारा होंगे तभी वो ज्ञान को हम आहरण कर सकते हैं, बोले ज्ञानम मदितम गया, मेरे दिया हुआ ज्ञान को तुम ग्रहण करो। क्या ठीक उसी तरह, इसलिए महाप्रभु रूपी समुद्र को और संचार जे रामानंद भक्त मेघ, उदाहरण क्या दिया, रामानंद कौन है, राय रामानंद, जैसे ये मेघ है, ये मेघ सदृश ही राय रामानंद, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, अपना जितने सारे तत्व ज्ञान को सारे भक्ति सिद्धांत को उन्होंने श्री राय रामानंद के हृदय में उन्होंने स्फुरण कराया, स्फुरण करा के फिर जब महाप्रभु राय रामानंद से फिर कथा सुनते हैं ना, महाप्रभु कहते हैं अभी मेरे को रस के बारे में पता चला, महाप्रभु कहते हैं अभी भैया मेरे को रस के बारे में, अभी मैंने पता चला रस के बारे में, लिया सब इनसे है राय रामानंद, और उन्होंने सब कुछ स्फूर्त कराया, जब उनसे सुनते कहते भैया हमें अभी रस की पता चला है, पहले मेरे को रस के बारे में पता नहीं था, है इसलिए भले इसका तात्पर्य क्या है, कहते इसका तात्पर्य है, बोले जो भगवान जो कृष्ण है ना, ये चीज अच्छे तरह से समझो, जो भगवान कृष्ण ये विषय विग्रह है, ये भगवान विषय विग्रह, लेकिन जो आश्रय विग्रह कौन है, ये भक्त है, आश्रय स्वरूप भक्त, भक्त भगवान को भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे रसगुल्ला, अब रसगुल्ला को थोड़ी पता है रसगुल्ला में क्या आना स्वाद है, लेकिन किसको पता है, जो खाते हैं, जो खाते हैं उनको पता भैया रसगुल्ला में क्या आस्वादन करते, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए, कारण क्या,
कारण यही है, कृष्ण सोच रहे हैं जब मैं राधा रानी को दर्शन करता हूँ मुझे भी आनंद होता है, राधा रानी जब मुझे दर्शन करती है तो राधा रानी को भी आनंद होता है, लेकिन मुझे जितने आनंद होता है ना राधा रानी को कितना आनंद होता है, मतलब करोड़ गुण ज्यादा आनंद होता है, एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीस नहीं कितना कितना, मतलब उनका को करोड़ गुण ज्यादा राधा रानी को आनंद होता है। बोले भैया फिर राधा रानी के अंदर में क्या ऐसी वस्तु है, हाँ मैं कभी राधा रानी के प्रेम में कभी मूर्छित नहीं होता हूँ, लेकिन राधा रानी मेरे प्रेम में मूर्छित हो जाती हैं और दोनों को प्रेम में होड़ लग जाती हैं, राधा जी को देखकर कृष्ण का आनंद, कृष्ण को देखकर राधा रानी को आनंद, दोनों में होड़ लगते 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 कृष्ण का जो प्रेम है ना एक जगह पर जाकर स्थगित हो जाता है, उसको ऊपर उठ नहीं पाता है, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है मतलब विभुरपि कलयन है, विभुरपि कलयन हर चीज होता है ना बढ़ते 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 भैया इसको ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम बढ़ते 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 उसका कोई था ही नहीं कुछ, वो बढ़ते बढ़ते जाती है और जहां पर कृष्ण फेल हो जाते हैं, कृष्ण फेल हो जाते हैं और राधा रानी के प्रेम बढ़ते 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 पता नहीं कहां मादना के मदना के किलकिंचित और उनके अंदर में दिव्य उन्माद, राधा रानी के अंदर में चित्र जल्प अद्भुत 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 है। अभी कृष्ण देखते भैया मुझे जितना आनंद है ना राधा रानी को करोड़ गुण ज्यादा आनंद होता है, करोड़ गुण, इसलिए उन्होंने क्या देखा, भैया जब तक राधा जी की भाव अंग कांति को नहीं लूना ये चीज का आस्वादन नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग में कृष्ण ने क्या किया राधा जी की अंग कांति और भाव उनसे उधार लिया है, दो चीज उनसे उधार लिया है, उधार लेकर के राधा रानी को अपना प्रेम का गुरु बनाए, प्रेम का उन्होंने गुरु बनाए और गुरु बना करके उन्होंने आस्वादन की, इसलिए गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे, गुरुदेव कहते थे महाप्रभु इसी के लिए आए राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए, लेकिन भैया जब तक गुरु नहीं होगा तो तब तो भगवत प्राप्त होगा ही है, गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई जो बिलिंची शंकर सब हो, इसलिए ब्रह्मा शंकर के बराबर हो जाए ना बगैर गुरु के कोई भगवत प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए गुरुदेव कहते थे अभी भैया गुरु कैसे होनी चाहिए, अभी आप जितने हाई फाई वस्तु को पाना चाहते हो भैया गुरु भी तो हाई फाई होनी चाहिए, साधारण गुरु से तो काम नहीं चलेगा, ये तो जो चीज का आस्वादन करना चाह रहे हो कि साधारण वस्तु है नहीं, जिस चीज को कृष्ण ही नहीं समझ पाते, जिस चीज को कृष्ण ही नहीं समझ पा रहे वो चीज को आस्वादन करना चाहते, गुरु भी इतना हाई भाई होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने गुरुदेव कहते थे उन्होंने राय रामानंद के पास में गए, बोले क्यों, बोले ये राय रामानंद कौन है, बोले ये अनुराधा ये विशाखा है, हाँ ये विशाखा, विशाखा मतलब क्या, विशेष पूर्वक शाखा, विशेष पूर्वक ये शाखा मतलब जब तक इनकी जैसे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ोगे ना टहनी आपको पकड़ करके तो चढ़ोगे ना, बगैर टहनी आगे तो चढ़ नहीं सकते हो, विशाखा ये शाखा मतलब टहनिया, इनकी बगैर राधा रानी का प्रेम आस्वादन नहीं कर सकते हो, इसलिए इनको अनुराधा बताया गया, अनुराधा मतलब है राधा रानी के जितने गुण है ना इनके अंदर विद्यमान है, अगर कभी कभी अगर राधा रानी नहीं होना जैसे राधा रानी का पार्टी कृष्ण पार्टी तभी दोनों को लीला होती है ना, अगर नहीं राधा रानी नहीं होती फिर राधा रानी का काम कौन करती, बोले विशाखा, इनको राधा रानी के रूप में विशाखा को राधा रानी का पोस्ट देते थे, ये इनकी अलग ग्रुप होता था जिसको कृष्ण के साथ में जिनको साथ में वो लीला करते थे, इसलिए अनुराधा है ये साधारण ये है नहीं श्री राय रामानंद, इसलिए महाप्रभु कहाँ पर गए गोदावरी पर गए और राय रामानंद से उन्होंने ये सब सारे प्रेम की शिक्षा उन्होंने वहीं से ही इन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं राय रामानंद से जब मैंने कथा सुनी है ना फिर तो मेरे को प्रेम से पता चला, प्रेम क्या चीज ये चीज बता दिला, इसलिए कहते महाप्रभु जब पुरी में थे और उन्होंने जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उन्होंने परास्त किया है, जब उन्होंने परास्त किया सार्वभौम भट्टाचार्य जी उस समय कौन थे इनके कुल गुरु है कहते श्री प्रताप रुद्र के कुल गुरु, राय रामानंद कौन थे गवर्नर थे, राय रामानंद तो विशाखा सखी है, विशाखा इनके अंदर ललिता का भी कुछ अच्छा है, इनके अंदर में अर्जुना सखी भी है और इनके अंदर अर्जुन भी, ये सब मिलकर के ये राय रामानंद है, इसलिए अभी ये तो रस पूरा रस ही रस है पूरा, और सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है,
ये मायावादियों का गुरु है, ये अद्वैत ब्रह्मवादी है, कभी कभी इनमें टकराव होते थे हैं? और राय रामानंद तो रस भक्ति रस के ऊपर बोलते थे, और जो सार्वभौम भट्टाचार्य इनका फिलोसफी किया है, अरे सब ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही है, अभी ब्रह्म को भी माया पकड़ लिया, इसलिए क्या हुआ कृष्ण राम भी वही ब्रह्म ही, अभी राम कृष्ण बन करके आए, इनके जब मुक्ति हो जाएगी ना ये भी जाकर ब्रह्म मिली, इनका फिलोसफी है, समझ रहे कि नहीं, ये चीज अच्छे तरह समझो। इसलिए कहते इनका ये फिलोसफी जो कृष्ण और राम जो लीला कर रहे हैं वो माया की है, अनित्य है, क्योंकि ब्रह्म ही अभी ये कृष्ण राम बन करके आए और ये लीला कर रहे हैं, बाद में ब्रह्म विलीन हो जाएंगे, इसलिए इनका लीला सब माया की लीला है। इसलिए लेकिन वो तो सुंदर सुंदर कृष्ण की दिव्य दिव्य लीला को वर्णना करते थे, लेकिन इसको सुन करके ना खिली उड़ाया करते, क्या सब कृष्ण खाते कृष्ण बंसरी बजाते रास करते, ये सब माय की है, एक दिन वो भी जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ये लीला को वो नहीं सुनते हैं। इसलिए लेकिन जब महाप्रभु को कृपा हुई, महाप्रभु जब इनको परास्त किए, परास्त करके सर्वभुजों को उन्होंने दर्शन दिलाया, जब उन्होंने समझ गए महाश्री महाप्रभु कौन है, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुराण पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्जह तमहं प्रपद्य, जब समझे ये कौन है स्वयं पुराण पुरुष भगवान कृष्ण, कलयुग में ये महाप्रभु का रूप में आए, अपना वैराग्य विद्या निज भक्ति को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, जब ये बात पता चला, जब इनकी भक्ति रस, वो क्या कहते पहले मैं कौवा था, कौवा जैसे का 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 करता था ना, कहते ऐसे में पहले का 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 करता था, लेकिन मैं कौवा था, नीम रस पीता था, हाँ कौवा नीम फल खाता है, लेकिन आप तो मेरे को कोयले बना दिया, कोयले बना करके अभी आम का जो फूल का जो मधु को हमने पान कराया, पहले मैं कौवा था, अभी हमने अपने गरुड़ बना दिया, अभी भक्ति रस को पता चला भक्ति भगवान कौन है, फिर उनको पता चला राय रामानंद कितने बड़े रस्सी की कमी है, कितने बड़े, इसलिए महाप्रभु जब दक्षिणी यात्रा कर रहे थे बोले प्रभु आप दक्षिणी जा रहे हो, आप जैसे रसिक है ना दुनिया में और एक रसिक है कौन, बोले श्री राय रामानंद, आप जा रहे हो ना दक्षिणी यात्रा में, अब जरूर उनसे मिलना, अब महाप्रभु तो इसलिए जा रहे हैं उनसे भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए, और गुरु रूप में बना करके उनसे भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए ही महाप्रभु जा रहे थे, हैं? तो जरूर मैं मिलूंगा। इसलिए श्रीमान महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने जाकर के महाप्रभु श्री राय रामानंद से मिले, जब राय रामानंद जा रहे थे उसमें वो थे गवर्नर थे ना, जब जाते थे स्नान करने के लिए कितने गाजा बाजा छत्री वेद ध्वनि उच्चारण हो रहे है, कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, हैं? क्योंकि वो समय साधारण थे नहीं, फिर जब महाप्रभु और श्री राय रामानंद से मिलन हुआ, दोनों जब दोनों को मिले, हाँ प्रेम में दोनों ही प्रेम में गदगद हो गए, दुनिया देख कर बोले ये क्या कर रहे हैं, ये इतने बड़े सन्यास लंबे चौड़े जैसे मान, क्या अद्भुत रूप महाप्रभु का, हाँ और राय रामानंद की साधारण जाति में क्षत्रिय वंश में जन्म हुए, ये ब्राह्मण सन्यासी होकर इनको ये आलिंगन क्यों कर रहे, फिर सोच रहे थे राय रामानंद तो कौन गवर्नर, लेकिन इतने बड़े गवर्नर होकर के ये साधु से आलिंगन करके आंसू क्यों बहा रहे, लेकिन इनको तो भावना समझे नहीं, वही विशा का सखी है, वही अनुराधा है, हैं? ये चीज को तो समझे नहीं, फिर लोगों को देख करके प्रेम को संवरण किए, बोले दोनों फिर हम दोनों शाम को मिलेंगे, अभी दोनों फिर शाम को मिलते हैं, जब फिर शाम को मिलते हैं फिर महाप्रभु प्रश्न करते हैं और राय रामानंद तो उत्तर देते हैं, ये गीता क्या है, अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्णा बोलते हैं, इसलिए गीता भगवान की मुख निश्रित वाणी ये गीता है, हैं? इसलिए बोले गीता सुगीता कर्तव्य किमन शास्त्र विस्तरई जा स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्म विनिर्सित, बोले भगवान की मुख निश्रित वाणी से गीता है, लेकिन ये कहते राय रामानंद संवाद किया है, यहाँ पर कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहे हैं, हाँ? एक जगह पर भगवान कह रहे हैं और एक जगह पर भक्त कह रहे हैं, लेकिन भगवान जो वाणी बोलते हैं ना उसका जितना महत्व है, भक्त जो वाणी बोलता है उससे ज्यादा महत्व भक्तों का वाणी है, इसलिए और भक्त क्या बोलते हैं हम थोड़ी सी सुनेंगे, ठीक है, एक कीर्तन कर लेते हैं, देखो ये जो ये बात है ना ये बड़े तत्व दर्शन की बात है,
इसलिए कल मैंने उस बात वहां बताया नहीं, मैंने देखा नए लोग आए हैं, बोले बताइए शिव क्या बोल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी नींदे आ रही है, कथा सुनकर सब जगाई आ रही है, इसलिए अच्छे तरह से सुन लो, ठीक है। हरे कृष्ण, एक कीर्तन कर लेता हूँ, बोले गौरांग बोली ते हमे उलका सरीरा, हरि हरि बोली ते नयने बाबेरा, गौरांग बोली ते हमे उलका सरीरा, हरि हरि Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari, Hari Bol, Hari
अभी श्रीमान महाप्रभु श्री राय रामानंद के प्रश्न करते हैं, क्या कहते, बोले प्रभु का ये पढ़ श्लोक साध्य निर्णय, और उसका उत्तर देते हैं राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। इसका मतलब है महाप्रभु कहते हैं राय रामानंद तुम ये बताओ, कह राय पढ़ श्लोक साध्य निर्णय। साध्य मतलब क्या है, एक साधन है और एक साध्य है। साधन मतलब हम जो जिस चीज को पाने के लिए हम प्रोसेस, हाँ जो उपाय है इसको कहते हैं साधन। साध्य मतलब होता है जीव का जो लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, आप ये बताओ जीव का साध्य क्या है, साध्य क्या मतलब जीव का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ये बताओ। जब उन्होंने ये बताए तब से राय रामानंद कहते, बोले क्या, बोले स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। प्रभु जीव का जो लक्ष्य है ना, अपना अपना धर्म को स्वधर्म को जाजन करनी चाहिए। बोले यहाँ पर जो स्वधर्म बताए ये कौन सा धर्म है, कहते वर्ण और आश्रम है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। ये वर्ण आश्रम को किसने सृष्टि किया है, भगवान ने। वर्ण आश्रम को भगवान ने सृष्टि किया। बोले क्यों सृष्टि किया, बोले धीरे 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 जीव धीरे 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 कैसे भगवत भक्ति को कैसे जीव प्राप्त कर सकते हैं, है? कैसे धीम, क्योंकि हम एक साथ में कोई छलांग लगा नहीं सकते। इसलिए हमें भक्ति जगत में धीरे 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 बढ़नी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने जीव को संसार को अच्छे रूप में निर्वाह करने के लिए मैंने ये वर्ण और आश्रम को मैंने सृष्टि किया है। इसलिए जो चार वर्ण और उसमें चार आश्रम है, कहते चार आश्रम क्या है, कहते पहले ब्रह्मचर्य, सबसे पहले जाते थे गुरुकुल में जीव पढ़ने, जैसे अब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, पहले हर व्यक्ति जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। जैसे कृष्ण बलराम गए, भगवान राम और लक्ष्मण गए गुरुकुल में, 25 साल तक क्या करते थे, 25 साल तक गुरुकुल में अध्ययन करते थे। उसके बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे, बेटा बताओ अभी क्या करो, क्या इच्छा तुम्हारी, अभी जो सारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ करके सुन करके उसको जिसको ये ज्ञान होता था भगवान हमें ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता, भगवान बारम्बार नहीं देते हैं, हाँ ये जीवन का उद्देश्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति ही जीव का उद्देश्य है। ये चीज जिसको ज्ञान होता था ना वो कहता था गुरुजी मैं तो चाहता हूँ आपका श्री चरण में रह करके आपकी चरण की सेवा करते हुए सारे शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करते हुए संसार को हम भव बंधन से मुक्त हो जाए। वो गुरु जी के आश्रम में रह जाते थे, फिर घर में वापस नहीं जाते थे। लेकिन जिनकी बहुत ही ज्यादा इच्छा होता था, बगैर संसार के घर गृहस्थ की रह ही नहीं पाएंगे, गुरुदेव बोलते थे बेटा अपना घर में जाओ, जा करके अपना धर्म कुल मर्यादा लव मैरिज करना नहीं, लव मैरिज नहीं करना, पिता माता जैसे बोलेंगे उसी धर्म जाति के अनुरूप जाओ, जा करके संसार घर गृहस्थी करो, और गृहस्थ धर्म मतलब वो भी एक आश्रम है। इसलिए गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्वन जथा जीता वासुदेव अर्पण सख्यात उपासित महामुनि। इसलिए गृहस्थ एक आश्रम है, हाँ गृहस्थ एक आश्रम है, जो घर में रहते हुए धर्म को साथ में अपना पत्नी को साथ में एक पतिव्रता धर्म का जाजन करते हुए, हाँ एक पत्नी को साथ में जो जीवन बिताते हैं, कहते एक तरह का ब्रह्मचर्य जीवन है, ये ब्रह्मचर्य जीवन है, हाँ? इसलिए ज्यादा शादी करेंगे क्या होगा, ज्यादा अगर क्यों मना किया है शास्त्र जो कुछ किया ना, इतने सोच विचार कर किया जो कि हाँ इतने धीरे धीरे जीव को कैसे भगवत तक ले जाएंगे, सारे जो हमारे जो विधि विधान है सब भगवत तक ले जाने का ये उपाय है। पहले ये सारा दुनिया ऐसे ही था, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्ट होते 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 सब भ्रष्ट, धीरे धीरे सब भ्रष्ट होने लग गया धीरे धीरे सब।
इसलिए कहते धीरे 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 एक पत्नी को साथ में रहकर मन सही रहता है, है? लेकिन अगर ज्यादा पत्नी ज्यादा बॉयफ्रेंड जब मन होता क्या है, पागल जैसे इधर उधर उधर भटकता रहता है, आज वहां का लू वहां कहां 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 का मन, और अशांत पता नहीं कब पत्नी छोड़कर चल दी जाए। किसने एक भारतीय को किसने विदेश ने बोला, बोले भैया हमारे देश में तो बहुत बढ़िया है। बोले क्या है, बोले देखो दोनों बॉयफ्रेंड पति पत्नी व गर्लफ्रेंड बॉय दोनों हाथ पकड़ कर मेन रोड में मस्ती से चलते हैं, और भारत में पत्नी एक तरफ में जाता पति दूसरे तरफ में, तो पति आगे पीछे पत्नी अलग चलते हैं, एक साथ में हाथ पकड़ कर नहीं चलते हैं। हाँ जब तुम्हारे देश क्या क्या प्रेम है, कुछ प्रेम प्रेम है ही नहीं, देखो हमारे विदेश में हाथ पकड़ कर मस्ती से चलते हैं। किसने कहा जानते हो इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है वो इसलिए हाथ पकड़ कर चल रही है, वो पता नहीं कभी उनको छोड़ दी। और भारत में पति आगे पत्नी पीछे चलती अलग, इसीलिए पति को पूर्ण विश्वास है ये मेरे को छोड़कर कहीं जाएगी, ये मेरे साथ में ही रहेगी, इसलिए उनको इसलिए बोलते धर्म पूर्वक अपना संसार घर गृहस्थी दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान की सेवा करो। इसलिए गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन वासुदेव अर्पण साक्षात, जो कुछ करो भगवान को सेंटर बना करके हैं, सब कुछ उनकी सेवा के लिए, पैसा कमाओ उनके लिए, घर साफ करो उनके लिए, रसोई बनाओ उनके लिए, सबके लिए उनके लिए करो। लेकिन कब तक है, बोले 50 साल तक, उसको बाद में नहीं, मना कर दिया। इसलिए एक का बन बा बन, ये बन बन घर में नहीं, बन वृंदावन जाओ, चौबन ये बन बन, ये अंक का बड़ा महत्व है। फिर 68 कहता अगर इसी बन में अगर नहीं किया भजन नहीं किया ना, फिर 68 60 एक 60 बोले 60 बन जाओ, सठिया बन जाओ, तुमसे कुछ होगा नहीं। इसलिए अंक का बड़ा महत्व है। लेकिन उसको बाद में 69 आता है, 70 भी आता है, तर 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 आता है, बोले तर क्या, बोले हाँ ऐसे व्यक्ति का कल्याण भी हो सकता है। बोले कैसे, गोस्वामी जी कहते हैं बोले 60 सो धरे 7 सा गत पाई, उसके बाद में उसमें बड़े सुंदर शब्द दिया, इसलिए इनका भी कल्याण हो जाता है अगर भगवत इच्छा से कहीं अच्छे संतों के दर्शन हो जाए, शुद्ध साधु संग मिल जाए, तो सत्संग से इनका कल्याण हो जाता है, भगवान इनका भी उद्धार कर देते। इसलिए इस सब सारे शब्द है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं चार वर्ण और चार आश्रम है, इसलिए चार वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, ये चार भगवान ने ये वर्ण को भगवान सृष्टि किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कैसे धीरे धीरे बड़ा हो, यहाँ पर जो बताया ना क्लास वन से धीरे 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 यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर इसको कोई आचरण नहीं करेगा भक्ति में नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भक्ति में बढ़ने के लिए आपको उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा, स्वतंत्र रूप में इधर उधर घूमते रहोगे, कोई वर्ण आश्रम को है ही नहीं, कोई पाल भैया भक्ति में कभी बढ़ नहीं सकते, आज उसको पकड़े उसको छोड़े उसको पकड़े, भक्ति नहीं हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर धीरे धीरे भक्ति में बढ़ना चाहो तो इसको स्वीकार करो, भगवान खुद कहते हैं मैंने ही इसको सृष्टि किया, धीरे धीरे जीव कैसे मेरे पास में, धीरे धीरे कैसे ये जीव आ सकता है, मैंने सृष्टि किया है। इसलिए पहले ये वर्ण और आश्रम को हमें ग्रहण करनी चाहिए, इसके अनुरूप हमें दोनों मिलकर भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये बात को बताया ना, हाँ स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, धीरे धीरे इसको द्वारा ही भगवान की भक्ति जीव को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसको सुन करके महाप्रभु बोल दिए, उसमें के श्लोक को उन्होंने उद्धृत करके बताइए, विष्णु पुराण का श्लोक है, यहाँ पर बताए वर्णाश्रम आचार बता पुरुषन पूरे पमान विष्णु आराध्यते पंसा पंथा नान्य तत्त सकारणम, बल्कि इसको छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने का कोई उपाय है नहीं, यही केवल एक उपाय है जो भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान खुद कहते हैं इसको मैं नहीं बनाया है। इसलिए अगर उनको संतुष्ट करना चाहते हो ये वर्ण और आश्रम का अनुरूप चलो, भगवान इसको संतुष्ट हो जाएंगे, इसको उधर और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए उन्होंने वहां से उद्धृत किया। और एक गुरु जी एक बात कहते थे, जब उन्होंने महाप्रभु ने जो पूछा था उन्होंने बंगला में उत्तर दिया था, बंगला में जो उत्तर दिया था
स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। जब उन्होंने ये बात बताए तब गुरुदेव महाप्रभु ने कहा, देखो सकल प्रमाण पुराण बचे, बंगला अक्षर से प्रमाण मत दो। हमारे शास्त्र क्या बताया, हमारे वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, भागवत क्या कहता है, इसलिए शास्त्र का तुम उदाहरण दो। एक अपना मनमानी बंगला भाषा में कौन सुनेगा, नहीं तुम बताओ कहीं पुराण में कोई है कहीं। इसलिए महाप्रभु का यही शिक्षा है, सकल प्रमाण दिवे पुराण बचन। जब कोई प्रमाण देना चाहते हो, मैं नहीं बता रहा हूं, कृष्ण गीता में बताए, भागवत में वेद व्यास ने बताया, ब्रह्म सूत्र में ये सूत्र है। इसलिए जब कोई प्रमाण दो, शास्त्र का प्रमाण दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे क्या महत्व है, तुम्हारी कोई महत्व नहीं, प्रमाण शास्त्र का दो। तो उन्होंने ये श्लोक को उन्होंने प्रमाण दिया। जब उन्होंने प्रमाण दिया, इतने में महाप्रभु उसको सुन करके ना, महाप्रभु बोल दिया, यह बाज्य आगे कह आर, कहती जो अपने जो बताया सही तो बताया, लेकिन ये बाहर का विषय है, अगर उसको आगे की तुम बात, आगे की बात बताओ। जब उन्होंने आगे की बात बताई तो महाप्रभु श्री राय रामानंद कहते हैं, कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार, इसलिए इससे ऊपर है जो कुछ तुम करते हो वो सब कुछ भगवान को तुम अर्पण करो। ये क्या है, बोले जितने सारे साध्य में ये सारे। तो यहाँ प्रश्न आता है, महाप्रभु कृष्ण स्वयं बताए, भैया ये वर्ण को मैंने, आश्रम को मैंने सृष्टि किया, तो उन्होंने तो उत्तर दिया, शास्त्र का ही शास्त्र उतार दिया उन्होंने, फिर महाप्रभु ने इसको बाहर क्यों बता दिया। हाँ, ये सब विवेचना का विषय, उन्होंने महाप्रभु उसको यह बाह्य, ये बाहर उसको बताया। हाँ, भक्ति तो ऐसे स्वरूप होता है, लेकिन होने पर भी, लेकिन जीव का असली स्वरूप क्या है, कहते जीव स्वरूप है कृष्ण, हम लोग कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब भगवान के अंश है, भगवान के संतान है। इसलिए हमारी कर्तव्य क्या, बोले भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, ये हमारी स्वरूपानुबंधी, ये हमारी धर्म, अपना स्वरूप यही धर्म है, जिसको भागवत में बताया, सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रदक सजे, आहे तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। आत्मा की संपूर्ण संतुष्ट कब होगा, आत्मा संपूर्ण शांति आत्मा को कब मिलेगा, बोले जब जीव जत भक्ति रदक सजे, भगवान कृष्ण को जब जीव भक्ति करेगा उसको पूर्ण आनंद मिलेगा, भगवान की भक्ति में ही मिलेगा पूर्ण आनंद है। इसलिए महाप्रभु ने इसको बाह्य क्यों बताया, बोले इसलिए बाह्य बताया, इसमें संसार का धर्म तो करेगा, जाजन तो करेगा संसार का धर्म, लेकिन इसमें भगवान की कोई प्रतिविधान है नहीं। जीव का धर्म भगवान की भक्ति करना, इसमें कोई भगवान की भक्ति की कोई बात नहीं, संसार धर्म की बात बताया। बोले अगर कोई संसार है, कहते अगर जो वर्ण और आश्रम धर्म को, कहते अगर कोई 100 जन्म तो करे, एक जन्म नहीं, अगर 100 जन्म तक अगर इस धर्म को सही सही करोगे, आपको क्या मिलेगा, ब्रह्मा। बोले स्वधर्म धर्म, स्वधर्म निष्ठ 70 जन्म भी पुमान ब्रह्मा है। अगर सही सही आश्रम वर्ण को सही सही करोगे ना, अब एक दिन 100 जन्म तक करो, उसको आपको ब्रह्मा पद प्राप्त हो जाएगा, आप ब्रह्मा बन जाओगे। लेकिन भैया जब ब्रह्मा बन जाओगे, लेकिन वहां भी कब तक रहोगे, खिन्न मर्दल को विसरते, कहते आप ब्रह्म भुवन भुवन लखात पुनरावर्तन अर्जुन, वो एक पोस्ट है, जब तुम्हारी वो भी पुण्य नष्ट हो जाएगा, फिर तुम इसी संसार में फिर आओगे, फिर उसी जन्म मृत्यु का चक्र में फिर भटकते रहो, फिर उसी चक्र में पड़ जाओगे फिर है। इसलिए महाप्रभु बोल दिया ये बाहर, यद्यपि यहीं से शुरू होगी, यहीं से, लेकिन होने पर भी, लेकिन महाप्रभु का जो लक्ष्य है, जो जीवन का जो परिपूर्ण जो लक्ष्य है, वह चीज को महाप्रभु पूछ रहे थे। इसलिए बोले भैया ये बाह्य है, ये बाह्य है, ये जीविका, ये असली धर्म जीविका नहीं है, इसलिए असली धर्म का नहीं। संसार का धर्म करोगे, इसी जीव कर्मों को लेकर दूसरे जीवन में, दूसरे से तीसरे जीवन में जाओगे, तीसरे से चौथे जीवन में जाओगे, ऐसे ही वहां से भटकते रहोगे ब्रह्मांड के अंदर में। इसको ऊपर में जा नहीं सकते हो, ब्रह्मांड की ऊपर में नहीं जा सकते हो, और जहां जाने पर जीव वहां से कभी दोबारा जगत में
नहीं आता है, केवल भगवत भक्ति से ही होता है। और किस इसलिए महापुरुष को बाह्य बोल दिया, बाहर बोले आगे कहा, आगे की बात बताओ। फिर उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सहाय, कहते जो कुछ करते हो कर्म को क्या करो, कृष्ण को अर्पण करो। इस चीज को अच्छे तरह समझ लो। हमारे कुछ कुछ लोग होते हैं ना भारत में भी, इधर सारे कुछ करेंगे और कहते ठाकुर जी हमने जो कुछ किया ना आपको अर्पण, सर्व कृष्ण अर्पण मस्तु, आपका हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, जो कुछ हमने किया है सब कुछ आपका हमने अर्पण कर दिया। जब उन्होंने ये बात को बताए, ना फिर तो महाप्रभु ये भी बोल दिए, ये भी बाह्य है। आगे कहा इसको, आगे की बात बताए। अब यहाँ प्रश्न आता है, फिर उन्होंने इसको बाह्य फिर क्यों बताया, क्या कारण है बाह्य क्यों बताया, जो कुछ करो भगवान को अर्पण कर दो, इसको बाह्य क्यों बताया। बोले इसलिए बाह्य बताए, कहते हैं जैसे हमने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, अर्ण छत्र खोला, कुआ खोदवाए, तालाब हमने खोदवाए, सब कुछ किया, ये करके फिर लास्ट में जाकर बोल दिया प्रभु हमने जो कुछ किया है ना ये सब के सब इसका फल हम तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। इसका मालिक कौन बन गया पहले, खुद करने वाला कौन है, अभी मैं ही इस सारे काम को मैंने करवाया, करके इसको लेकर के निष्काम रूप में किया और इसको निष्काम रूप में कर्म करके तो ठाकुर जी आपको हमने अर्पण कर दिया, हम आपका हमने अर्पण कर दिया है, आपको मालिक तो स्वयं बन गया, कर्ता स्वयं बन गया, बन करके फिर उसको लेकर उन्होंने भगवान को उन्होंने अर्पण कर दिया, ठाकुर जी इसका फल आपको ही मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए महाप्रभु बोले भैया ये भी जीव का स्वरूपानंद भक्ति नहीं, ये भी जीव का परम धर्म नहीं, स्वरूपानंद भक्ति ये भी नहीं, कहते स्वरूपानंद भक्ति क्या है। इसलिए जिस समय श्री हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बोले, बोले प्रहलाद तेरे को हमने गुरुकुल में भेजा था लिखा पढ़ा सीखने के लिए, बोले हाँ, बोले बताओ गुरु जी ने तुम्हें जो विद्या बताई उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विद्या को बताओ, गुरु जी ने तुम्हें जितने विद्या सिखाई उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विद्या बताओ। तो प्रहलाद ने क्या कहते, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतन बलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मने दीतोतम। बोले पिताजी जितने विद्याओं में ना जो सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है, पहले क्या करो, करने वाला मैं नहीं, सबसे पहले गुरु जी के चरण में शरणागत हो जाओ, ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ, आमी तो तुमार तुमी तो हमार प्रभु, मैं आपका हूं आप मेरे हो, अभी अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं कौन हूं, हम कृष्णदास गुरुदास है, अभी हम गुरु जी के चरण में समर्पित हो गए। जब हम गुरु जी के चरण में संपूर्ण समर्पित हो गए, अभी जो कुछ करें किसके लिए करेंगे, गुरु जी के लिए करेंगे, वैष्णव के लिए, भगवान के लिए, जो कुछ करेंगे हम संपूर्ण, जैसे किसी गैया को, जैसे किसी को बेच देते हो, ये भक्ति कैसे है, जैसे किसी गैया को किसने बेच दिया, अपने जो गैया ले आए ना आप उसको जो कुछ करना कर सकते हो, खुंटे में बांध कर रख सकते हो, उसको खोल सकते हो, गैया भी किसका आपका ही है, वो गैया आपका ही अभी गैया है। उसी तरह जब हम श्री गुरु जी वैष्णव और ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाते, प्रभु अपना अभी कोई अस्तित्व नहीं, हम तो आपको संपूर्ण विकृत गैया आपकी, अभी हमारे कुछ नहीं, हम तो आपकी, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, जब मैं आपका आप मेरे हो, अभी जो कुछ करेंगे तो तेरे लिए करेंगे ना, क्योंकि अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं, हम तो आपको तुम्हारी है। इसलिए इसको कहते हैं भक्ति, पहले संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाओ गुरु जी वैष्णव ठाकुर के चरण में, ठाकुर जी मैं तुम्हारा हो गया हूँ, जो कुछ करूंगा तेरे लिए करूंगा, खाऊंगा तो तेरे लिए, सोऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, और जो कुछ कहूंगा हम तेरे लिए ही, हम सब कुछ, ये शुद्ध भक्ति है। लेकिन इसमें दोष किया, इसमें दोष है, स्वयं पहले कर्ता स्वयं बन गए, करने वाला मैं, मैंने किया, अरे मैं नहीं करता थोड़ी हो जाता, मेरी वजह से। लेकिन जब कोई, लेकिन भक्त जगत में बोले ये काम को किसी ने किया, बोले हम थोड़ी कर सकते, जो कुछ हुआ गुरु जी की कृपा से ही हुआ, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ हुआ, हमारे अंदर में क्या ताकत है जो कि हम कुछ कुछ कर सकते हैं,
गुरुदेव ने करवाया, ठाकुर ने करवाया, ठाकुर की कृपा से ये सब कुछ ठाकुर की कृपा से हुआ, ये भक्तों का भावना है, है? इसलिए जब उन्होंने ये बात बताया ना, इसलिए गीता में कहते जज्ञाथात कर्मन अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौतेय मुक्त संग समाचार। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जज्ञाथात कर्मन अन्यत्र, अगर भगवान को छोड़ करके कर्ता बनकर अगर कोई भी काम करोगे उसका फल तुम्हें लेना पड़ेगा। इसलिए लोकायम कर्म बंधन, वो बंधन में तुम फंसोगे, संसार के बंधन में फंसोगे, इसलिए क्या करो मुक्त संग समाचार। अगर संसार का बंधन से मुक्त होना चाहे तो क्या करो, सब कुछ भगवान के लिए करो, ठाकुर जी के लिए। इसलिए पहले शरणागत हो जाओ ठाकुर के चरण में। इसलिए यहाँ पर इसलिए महाप्रभु ने क्या बोल दिया, बोले भैया मैं जो सुनना चाह रहा हूँ ना ये नहीं, अगर हो तो इसके ऊपर में भी और कुछ बताओ, उसके ऊपर और क्या है। हाँ, इसलिए गीता का एक श्लोक है, जत करोसी जत स्नासी जत जोहसी जदासी जत जत तपस्वी कौत तत्पुर समर्पण। ये कर्म-मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए जो करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ देखो, क्या करो, भगवान को अर्पण करो। इसलिए महाप्रभु बोल दिए भैया ये तो बाहर का विषय, इसको आगे हो तो उसको आगे और कुछ बात बताओ। जो बोले यह बाज्य आगे कहो, आर राय रामानंद कहते हैं बोले स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। पहले तो बता दिया स्वयं कर्म कर्ता बन गए, बनकर कह रहे इसके यहाँ पर कह रहे हैं जो स्वधर्म जो त्याग है यही साध्य सार। पहले अपना सारे धर्म को, हाँ यहाँ पर जो सारे धर्म बता रहे थे, हाँ जो शरीर संबंधी जितना धर्म है, जिसको उदाहरण दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्तयिष्यामि माम शुचो। कहते ये जो श्लोक उन्होंने, ये श्लोक को उन्होंने उदाहरण दिया। कहते ये जो श्लोक है ना, गुरुदेव कहते थे अर्जुन, बोले अर्जुन को किसने कहा, अरे तेरे जैसे कोई भक्त दुनिया में भी है जिसको भगवान तेरे को गीता के उपदेश दिया, गीता जैसे उपदेश तुम्हें दिया है, हैं? गीता जैसे उपदेश दिया, तुम जैसे भक्त कोई हो सकता हो? अर्जुन कहते मैं कितने थर्ड क्लास भक्त तुम्हें पता ही नहीं, भक्त तो हूँ बल्कि थर्ड क्लास भक्त हूँ, क्योंकि गीता का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, कभी श्लोक कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, कहते तुम सारे धर्म को छोड़ करके अभी मेरे शरण में आओ। इसका मतलब है अभी हमने कोई धर्म छोड़ा ही नहीं है, अभी हम संसार में जो फंसे हुए हैं सारे धर्म में, इसलिए छोड़ कर क्या करो अभी मेरे शरण में, तुम मेरे शरण में आओ। अभी मतलब है अभी हम ठाकुर का शरण में अभी आए नहीं, अभी ठाकुर का शरणागत हम भक्त है ही नहीं, अभी कोई धर्म में छोड़े ही नहीं। कितने थर्ड क्लास है, कितने थर्ड क्लास उपदेश भगवान ने दिया, अभी मैंने कोई धर्म ही छोड़ा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताए क्या है, बोले स्वधर्म त्याग, सारे धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आओ, मतलब सारे धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आओ। जो उन्होंने ये बात को बताए महाप्रभु, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं ये नहीं। इसमें उन्होंने एक श्लोक को यहाँ पर उदाहरण दिया है, बोले आज्ञा एव गुणान दुसान मैया दिष्टान अपि सकार धर्मान संत्यज सर्वा मां भजे सच उत्तम। देखो इस श्लोक जो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने जो जो बात बताया गीता में, ये श्लोक गीता के श्लोक है, और जत करो सी जत स्नासी से ये भी गीता के श्लोक है। अगर कोई बोलेगा भगवान तो गीता में बताए ना ये बात को, जब भगवान गीता ने बताया जत करो सी जत स्नासी जो कुछ करते हो करके मेरे को अर्पण करो, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ। कृष्ण तो गीता में कहते सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, सब छोड़ करके तू एकनिष्ठ रूप में मेरे शरण में आ। कृष्ण तो बताए ये बात को, कृष्ण कहते हैं भैया ऐसे नहीं, बोले आज्ञा एव गुणान दोषान मैया दिष्टान अपि सखा, मैंने जो गीता में उपदेश दिया है उसको जो विचार करके मेरी जो आज्ञा है, भगवान ने कहा इसलिए हम करेंगे नहीं, मैंने जो बात बताए उसका क्या दोष है क्या गुण है, ये करने से क्या मिलेगा ये करने से क्या मिलेगा, उसको गुण दोष को जो विचार करते हुए जो मेरे को भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गीता का जो सर्वश्रेष्ठ उसकी कौन सा श्लोक बताए, गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक मन मना भव, हाँ मन मना भव मद भक्त भव
माम जाजी माम नमस्कुरु, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मन को किसी को नहीं मत मना, हाँ, जैसे गोपियों ने जैसे संपूर्ण अपना मन प्राण चित्त कृष्ण को दिया है, भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनो, पूजा करना तो मेरे ही और नमस्कार करना तो मेरे को, सब कुछ मेरे को करो, माम एससी फिर तुम मेरे को एक दिन जरूर प्राप्त करोगे। इसलिए यहाँ पर सर्वधर्मान बा जत करो सी कति, इसका गुण दोष विचार करके जो मेरे को भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए भगवान बोले, इसलिए हम किया नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जब उन्होंने ये बात को बताए फिर महाप्रभु बोले यह बाह्य आगे कहा, ये बाहर का विषय है, अगर झोली में और कुछ निकालो झोली में तो और कुछ निकालो आगे। फिर उसको बाद में है, उसको बाद में उन्होंने जो बताया ना, फिर हम शाम को सुनेंगे, फिर उन्होंने और आगे क्या बात बता रहे हैं और इसको हम आगे सुनेंगे, ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे श्री राय रामानंद प्रभु की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। शाम को वो माता जी घर में ना राधा जी चले प्रभु जय।